सिंगरौली पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह के निर्देशन में अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत थाना प्रभारी बैढ़न अरुण कुमार पांडे को बड़ी सफलता मिली है, जहां 20 ग्राम हेरोइन के साथ कोतवाली प्रभारी अरुण कुमार पांडे को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि मुकेश कुमार शाह निवासी खोटार मादक पदार्थ हेरोइन लेकर सेंट जोसेफ स्कूल के सामने NCL बाउंड्री बिलौजी में हेलीपैड के पास रात्रि करीबन 10 बजे बिक्री हेतु लेकर आएगा। मुखबिर की सूचना पर तत्काल कोतवाली प्रभारी अरुण पांडे द्वारा उप निरीक्षक उदय करिहार के नेतृत्व में एक पुलिस टीम का गठन कर रेड की कार्यवाही की गई, जहां बताए स्थान पर पहुंचकर देखा गया तो मुखबिर के बताए अनुसार एक व्यक्ति NCL ग्राउंड हेलीपैड के पास खड़ा मिला, जिसका नाम पता पूछा गया, जो अपना नाम मुकेश कुमार शाह, पिता देव शरण शाह, उम्र 22 वर्षीय निवासी खोटार थाना बैढ़न जिला सिंगरौली का होना बताया गया, जिसकी तलाशी ली गई तो आरोपी के कब्जे से 5 लाख कीमती मादक पदार्थ स्मैक हेरोइन 20 ग्राम बरामद हुई, जिसे धारा 821 NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में पेश किया गया। देखिए चेयरमैन बालकृष्ण तिवारी की खास रिपोर्ट। आपने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, क्या मामला है? कल रात्रि में कोतवाली पुलिस को इस आशय की सूचना प्राप्त हुई कि मुकेश कुमार शाह नाम का व्यक्ति बिलौजी NCL बाउंड्री में अवैध रूप से मादक पदार्थ हेरोइन लेकर के आने वाला है। इस पर एक विशेष टीम भेज करके वहां दबिश कराई गई और आरोपी को रंगे हाथ हीरोइन के साथ पकड़ा गया। आरोपी के कब्जे से 20 ग्राम हीरोइन कीमती करीबन 5 लाख रुपए की बरामद हुई है और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और उस पर हम वैधानिक कार्यवाही कर रहे हैं। उसके विरुद्ध NDPS एक्ट के विहित धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। इसके पहले भी क्या ऐसे कृत्य में लिप्त था? इसका NDPS का पहला मामला है, लेकिन हम इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि पहले भी संलिप्त रहा है कि नहीं रहा है, ये अनुसंधान करने से है और इस संबंध में भी अनुसंधान कर रहे हैं कि किस तौर से इसने हीरोइन को प्राप्त किया है।